अगर 12 बॉल में 14 रन चाहिए हो और एक प्लेयर 50 रन से ऊपर बनाकर ओपनिंग करते हुए खेल रहा हो तो आप किस टीम को चुनेंगे? जाहिर सी बात है उस टीम को जो बैटिंग कर रही होगी, क्योंकि सिर्फ 12 में 14 चाहिए। अफगानिस्तान फेवरेट थी श्रीलंका के सामने जब मैच चल रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की जीत के बीच में धोनी का लाल आ गया। वो लड़का जिसे धोनी ने तराशा था, वो लड़का जिसे धोनी ने श्रीलंकाई क्रिकेट का एक बड़ा फ्यूचर बताया था, वो लड़का जिसने धोनी की टीम में आकर परफॉर्म किया, जिसके बाद आईपीएल में उसे लोगों ने जबरदस्त नोटिस किया और उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट में मौका मिला। शुरुआती दौर में जब वो फ्लॉप रहा तो लोगों ने बहुत कोसा, लेकिन अब वो लड़का जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। 12 बॉल 14 रन, 19वें ओवर में गेंद मथीशा पथराना के हाथ में, पहली बॉल इब्राहिम जादरान कप्तान सिंगल, दूसरी बॉल वो नूर अहमद जो छक्का मार रहे थे डॉट, तीसरी बॉल बॉल्ड, चौथी बॉल सिंगल, पांचवी बॉल सिंगल, छठी बॉल क्लीन। 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन देकर मथीशा पथराना ने जो मैच श्रीलंका लगभग हार चुकी थी उसे जिता दिया। 4 ओवर 24 रन 4 विकेट, ये मथीशा पथराना का रिकॉर्ड था और इसका असर ये रहा कि श्रीलंका जीती बैन के बाद पहले T20 मैच में और अफगानिस्तान जीता हुआ मैच हार। हालांकि इस मैच को आप कई टुकड़ों में देख सकते हैं। एक टुकड़ा जो है वो है अफगानिस्तान के नजरिए से, एक टुकड़ा है श्रीलंका के नजरिए से। श्रीलंका खराब शुरुआत के बाद संघर्ष कर रही थी, परेशानियों में डूबी पड़ी थी, विकेट पे विकेट गिर रहे थे, लेकिन तब वो खिलाड़ी आता है जिसे आरसीबी ने नकार दिया था, हसरंगा। हसरंगा वो प्लेयर जिसे इज्जत नहीं मिली थी, आरसीबी ने ड्रॉप किया। हालांकि पहले आरसीबी ने चहल की जगह लिया था लेकिन फिर ड्रॉप किया, एसआरएच ने बहुत कम कीमत में खरीद लिया। वो हसरंगा जो श्रीलंकाई क्रिकेट लीग में सबसे ज्यादा छक्का, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा सब कुछ, सब उनके नाम था, वो कप्तान बनकर जब लौटा तो फिर उसने भी कमाल दिखाया। 55-4 श्रीलंका थी, लेकिन 67 रनों की पारी केवल 32 गेंदों में, 24 बॉलों पर अर्धशतक, तब जब 55-4 थे और मैच पूरा पलट दिया। हसरंगा दोनों तरफ नहीं मारते हैं, एक ही तरफ मारते हैं, ऐसा लगता है कि एक साइड की वैगन व्हील उनको दिखाई पड़ती है, एक साइड की वैगन व्हील दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हसरंगा कमाल थे और अपनी टीम को उन्होंने जबरदस्त जीत दिलाई। वैसे पीएसएल में लोग आज हसरंगा को मिस कर रहे थे क्योंकि पीएसएल में हसरंगा की जगह थी, लेकिन वो वहां से हट गए और अपने स्टाइल में आज परफॉर्म कर रहे थे, ये उनका स्टाइल जो है। और साथ ही सवाल जो है वो सीधे आरसीबी को भेज रहे थे कि भैया आपने हमको ना लेके बहुत बड़ी बेवकूफी की। आज उन्होंने गेंदबाजी की तो बोल्ड मारा, फील्डिंग की तो डाइव लगा कैच पकड़ा, और बल्लेबाजी में तो भाई साहब 24 बॉलों में छक्के मारे, जबरदस्त फर्स्ट श्रीलंकाई कैप्टन अफगानिस्तान के सामने T20 क्रिकेट में। हालांकि अफगानिस्तान ने भी मैच अच्छा खेला, फजल अक फारूखी ने बहुत बेमिसाल गेंदबाजी की, 4 ओवर 25 रन 3 विकेट, मजा आया उन्हें गेंदबाजी देख के। नवीन ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 ओवर 25 रन 2 विकेट, शानदार शुरुआत थी अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान ने इस मैच में अपना जलवा दिखा रखा था, पहले गेंदबाजी अफगानिस्तान कर रही थी, श्रीलंका का पहला विकेट 7 रन पे गिरा, दूसरा 36 पे गिरा, तीसरा 48 पे गिरा, फिर 55 पर गिरा और श्रीलंका संघर्ष कर रही थी। लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप होती है हसरंगा और समर विक्रमा के बीच में और हसरंगा मैच को पलट देते हैं। 32 बॉल 67 रन 3 चौके 3 छक्के 7 चौके, और उसका असर ये होता है कि स्कोरबोर्ड अच्छा आता है। हालांकि एंड में अफगानिस्तान ने फिर कमबैक किया था, बिकॉज 146 रनों पर 5 विकेट, या कहें कि 127 पर 4 थे, 127 फॉर 4 एंड 160 ऑल आउट, अगेन एक ड्रॉप हसरंगा के आउट होने के बाद, लेकिन 160 काफी थे। अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी थी लेकिन अफगानिस्तान उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई क्योंकि शुरुआत में जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुरुआत की, लेकिन गुरबाज कई बार बहुत एक्साइटेड रहते हैं और उसका असर ये होता है कि आउट हो जाते हैं, और वही देखने को मिला। गुरबाज एक छक्का मारने के बाद फिर आउट हो गए, गुलबुद्दीन नैब ने थोड़ी पार्टनरशिप की, उमर जाई चले नहीं, नबी आज चले नहीं, उसके बाद जादरान चले नहीं, कोई भी नहीं चला। 12 बॉल 14 रन चाहिए था, इनफैक्ट कप्तान भी आखिरी में जादरान जो है वो 10 रन चाहिए थे, 6 बॉल खेले लेकिन नहीं मार पाए और 4 रन से हार हो गई, धोनी के लाल के चलते हार हो।